श्योर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रीसेंट ट्रैक में हमें नायरा की मौत का ड्रामा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सभी घर वाले काफी ज्यादा परेशान और टूटे हुए हैं नायरा के जाने के बाद। तो वहीं कार्तिक तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा है, वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि उसकी नायरा उसे छोड़कर जा चुकी है। और वहीं कार्तिक अपनी जान देने की भी कोशिश करने वाला है। इसी के साथ आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि कार्तिक को होगी टेंशन अपने बच्चों को लेकर। जी हाँ, नायरा जा चुकी है तो अब कायरव और अक्षु का ध्यान आखिर कौन रखेगा। जी हाँ, घर वाले हैं लेकिन माँ का प्यार तो सिर्फ एक माँ ही दे सकती है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता है। तो आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिल सकती है वेदिका की एंट्री एक बार फिर। जी हाँ दोस्तों, खबरों की माने तो कार्तिक मिला सकता है वेदिका को फोन और कर सकता है उससे रिक्वेस्ट वापस आने की, क्योंकि वेदिका काफी अच्छी थी ये सबको पता है। वेदिका कर सकती है अब कार्तिक की हेल्प, वही एक जनी है जो कि कायरव और अक्षु का ध्यान रख सकती है। वेदिका सबको जानती भी है बहुत अच्छे से और उसने नायरा की जिम्मेदारियां काफी टाइम तक निभाई भी हैं। अब ऐसे में जब वेदिका को लगाएगा कार्तिक फोन तो वेदिका रख सकती है उसके सामने शादी की शर्त। जी हाँ, वेदिका कह सकती है कि जब तुम मुझसे शादी करोगे तभी मैं घर में वापस आऊंगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शो की कहानी किस ओर जाने वाली है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल।